With the increasing population in Gurugram, water scarcity is seen in most sectors of the cyber city. In fact, the residents in certain sectors have to buy drinking water from tankers. The issue of water scarcity has also started in the new sectors. The authorities will have to find a solution for the problems of water before it engulfs most sectors of the city. सबको बता दिया जी, कोई कोई सुनवाई नहीं है, कोई पानी नाम की चीज़ नहीं है। एक डेढ़ महीने से तो बहुत ज़्यादा, सर्दियों में थोड़ा बहुत पानी आता है यहाँ तो, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पानी आता ही नहीं है। हर तीन महीने दो महीने में पानी का बिल आ जाता है, बिल भी भर रहे हैं और पानी नहीं मिल रहा है। 10 दिन हो गए भाई, 10-12 दिन हो गए, बिल्कुल नहीं आ रहा है। कभी रात को चला के देखते हैं, कभी सुबह उठ के चला के देखते हैं, आ ही ना, क्या करें। 15 दिन तो हो चले कम से कम, तो कभी सार सार रात बैठा रहना पड़े पानी की वजह से। पिछले 20 दिन से हम लोग ना ढंग से फ्रेश हो पा रहे हैं, ना नहा धो पा रहे हैं, ना कपड़े धो पा रहे हैं। यहाँ पर दिक्कत इतनी हो रही है, बस डेली काम तो हो नहीं रहे। हमने यहाँ पे जितने भी हमारे पास से बात कर ली है, हमने GMT ऑफिस से बात कर ली है, पंजीर प्लांट के मेन ऑफिस से बात कर ली है, कोई बंदा ये हंसने लगा कि भाई पानी हमने खोल दिया, पानी कहीं भी नहीं आ रहा। फेज टू में ही सारी दिक्कत आ रही है। 2000 से ऊपर मकान है, कभी पानी आता ही नहीं। अब हम तो 10 साल से कर रहे हैं इसको, नहीं पार्षद कोई नहीं सुनता। 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे पानी की, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। जो फ्री फ्लो आता था पानी, वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। और जो हमने समस्या आगे मतलब इनसे JEE से जो भी बात करी है उनसे, वो कह रहे हैं कि हमने पूरी मोटर खोल रखी है, पीछे से पूरा पानी चल रहा है और यहाँ हमारी पानी की वैसी समस्या है। हमने इनसे पार्षद से भी बात करी है, बागड़ी जी से भी, उन्होंने भी यही कहा है, उन्होंने भी मैसेज डाल रखे कि पानी पूरा चल रहा है, लेकिन हमारी गलियों में कोई पानी नहीं आ रहा है।